Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. This is Shinwanti, Head of Department of Verbal Ability and Personality Development in EduMentor. And EduMentor is an institute that provides you a complete hand-holding, counseling, guidance and preparation for the undergraduate courses and entrance exams for Commerce and Humanities. Pichle video mein we had a very detailed discussion about a very famous institute that was NIFT. ठीक है, तो जितने भी हमारे पास फैशन एंथुसियास्ट है, जितने भी लोग फैशन इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए हमारे कंट्री के बेस्ट कॉलेज के बारे में, बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में हमने कुछ डिटेल्स शेयर किए थे, डिस्कस किया था. वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू कोर्सेज दैट द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी ऑफर्स. हमने कुछ रैंकिंग ऑर्डर में देखे थे क्या क्या कैंपसेस हैं हमारे पास, कहाँ जा सकते हैं. बट दैट इज़ नॉट एवरीथिंग. हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि इन कोर्सेज को अगर आप परसू करना चाहते हो या फिर अगर आप फैशन इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, या फिर आपको क्या चीज़ें और पता होनी चाहिए, कैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, कैसे फॉलो करोगे, कितना करोगे, वगैरह वगैरह. सो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम फॉर निफ्ट. आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, कितना करना है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है आप लोगों की, क्या मार्किंग स्कीम है, क्या पेपर पैटर्न है, वगैरह वगैरह. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली डाइव इनटू The first thing that I'm going to talk about in this video, and that is eligibility for Bachelor's in Design and Technology and Bachelor in Fashion Technology. आपकी qualifying age जो होनी चाहिए, maximum age should be less than 24 years as on 1st August of the year of admission. मतलब अगर आप इस साल admission ले रहे हो, If this is the year that you're taking an admission in, तो इस साल में आपकी जो एज होनी चाहिए वो मैक्स टू मैक्स 24 या 24 से कम होनी चाहिए. द अपर एज लिमिट मे बी रिलैक्स्ड बाय अ पीरियड ऑफ 5 years फॉर कैंडिडेट्स ऑफ एससी एसटी पर्सन विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि बीडब्ल्यूडी कैटेगरीज वगैरह के. ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कंसेशन सिर्फ इतना ही है कि आप 24 साल के हो, 24 इयर्स के हो या उससे अंडर हो, उसके अबव अगर आप हो तो आप एलिजिबल नहीं हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू बिलोंग टू एससी एसटी कैटेगरी या फिर डिसेबिलिटी कोई है या स्पेशल एबिलिटी वाले कोई स्टूडेंट है या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, तो इन दैट केस आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, विच इज 29 years. ठीक है, सो यू बिकम एलिजिबल टिल 29. ये तो आपकी पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है टू अपियर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. लेट्स मूव ऑन. ओके, और क्या क्या हमारे पास कंडीशंस हैं जिससे कि मैं ये एग्जाम ले सकती हूँ या फिर मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ. बैचलर ऑफ डिज़ाइन यानी कि बीटेक प्रोग्राम्स, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, एक्सेसरी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन या फैशन कम्युनिकेशन के लिए. पास द प्लस 2 level examination, that means 10+2 pattern of examination from any recognized central or state board of secondary examination. मतलब कि आपको 12th pass होना पड़ेगा. ठीक है, किसी recognized education secondary examination center से. ठीक है, जैसे कि you can see CBSE हो गया या फिर कोई state board हो गया या फिर ICSE हो गया or something like that, या फिर A pass grade in the senior secondary school examination conducted by national open school with a minimum of 5 subjects. अगर आप open school से पढ़े हो, then it should be conducted by a national open school and आपके पास 5 subjects होने चाहिए और pass grade होना चाहिए. या फिर और any public school board university examination in India or in foreign countries recognized by the Association of Indian Universities as equivalent to 10+2. किसी भी स्कूल, किसी भी एनी पब्लिक स्कूल और बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आप पास्ड आउट हो, इंडिया से या फॉरेन से, विच इज़ वेरी सिमिलर और दैट इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू 10+2. या फिर
जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन यानी कि जीसीई एग्जामिनेशन फॉर लंडन कैम्ब्रिज श्रीलंका एट द एडवांस्ड यानी कि ए लेवल या फिर इंटरनेशनल बैचलरेट या फिर आईबी। ठीक है, ये कंडीशंस इन चारों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप फॉल करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे निफ्ट का पेपर देने के लिए। Now let's move on. Okay, this is something that we have already talked about. Apparel production के लिए फिर क्या होगा? हमने यहाँ पे क्या-क्या cover किया था? We have covered fashion design, leather design, accessory design, textile design, knitwear design and fashion communication. This slide talks about Bachelor of Fashion Technology in Apparel Production, जिसको आप BF Tech program भी कहते हो। ठीक है, उसके लिए भी आपके पास चार कंडीशन है, एक बार क्विकली देख लेते हैं वो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या हैं। सिमिलर है, आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ आर कंट्री एंड यस यू हैव इट फ्रॉम सीबीएसई और न्यू दिल्ली काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स, विच मीन्स आपके पास 12th में फिजिक्स या मैथ्स में से कुछ, इनफैक्ट सॉरी फिजिक्स एंड मैथ्स आपके पास दोनों होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे, या फिर अ पास ग्रेड इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल ओपन स्कूल विथ 5 सब्जेक्ट्स, सेम वैसा ही पैटर्न चलेगा जो हमने पिछली बार देखा था। इस वाली में बस इतना चेंज है कि आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, जो आप 5 सब्जेक्ट लोगे 5 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स एंड मैथ्स होने चाहिए, और एल्स एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो कंसिडर करता है क्लास 12th को इक्वल टू मतलब इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके, बट अगेन आपके सारे सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हो उसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपल्सरी हैं, होने चाहिए। ठीक है, या फिर जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन कहीं से भी आप कर रहे हो एनी आउट किसी भी फॉरेन कंट्री से या फॉरेन लेवल से, एडवांस लेवल होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अपैरल प्रोडक्शन बीएफ टेक करने के लिए आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है, मोटा मोटा वो ये बात कह रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपने अपने लिए कुछ और चूज कर रखा है एनी अदर प्रोग्राम तो इन दैट केस आपके पास फिजिक्स या मैथ्स होना कंपलसरी नहीं है, बस आपके पास 12th का ग्रेड होना चाहिए, एज आपको देख लेना है आप फॉल कर रहे हो या नहीं, एंड इक्विवेलेंट टू 12th होना चाहिए। अगले साल हमारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, यूजुअली 2024 का जो 2024 का पेपर का क्या पैटर्न है मैं आपको बताती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर होता है हमारा जनरली फेब मार्च के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं पेपर किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। द निफ्ट 2024 एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, आपके निफ्ट का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट होता है 2 स्टेज में। ठीक है, पहला स्टेज है रिटन एग्जाम्स विच कंप्राइज द गैट एंड कैट GAT एंड CAT, अब ये क्या है ये हम आगे देखेंगे। दूसरा है सिचुएशन टेस्ट या फिर पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि यू हैव टू सिट फॉर एन इंटरव्यू, 1-to-1 आपका एक इंटरेक्शन होगा, एक इंटरव्यू होगा जहां पे आपकी पर्सनैलिटी चेक करी जाती है कि आप निफ्ट के लिए या फिर इस यूनिवर्सिटी के लिए कितने एप्ट हैं, जो भी आपने अपने लिए कोर्स चूज करा है उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे चेक हाउ ब्यूटिफुल यू आर एज अ पर्सन और हाउ मच नॉलेज यू गेन अबाउट द इंडस्ट्री, दोनों चीजों को बराबर से देखा जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकेंड स्टेज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जाम, आपके रिटन एग्जाम में अच्छे स्कोर्स होंगे तो ही आप शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे सेकेंड या सिचुएशन टेस्ट के लिए। तीसरा एक और कैटेगरी आता है विच इज पोर्टफोलियो, ये डिजाइन वाले कोर्सेज के लिए है, यानी कि अपैरल डिजाइन जो था वो वाला इसमें नहीं आएगा, बाकी के सारे आ जाएंगे। ठीक है, विच मीन्स जस्ट ये वाले, ये जितने कोर्सेज है ना बी डिजाइन बैचलर ऑफ डिजाइन के अंडर जितने कोर्सेज है उनके लिए तीसरा कैटेगरी आ जाता है, इनके लिए नहीं है। फाइन, और वो क्या है, इसको पोर्टफोलियो भी कहते हैं, पोर्टफोलियो वाला स्टेज where candidates needs to prepare a strong portfolio showcasing their best creative works, the portfolio should demonstrate their skills,
क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। तो आपको अपनी एक पोर्टफोलियो बनानी होती है जहां पे यू इंक्लूड ऑल योर क्रिएटिव वर्क्स। अभी तक का आपने कितनी क्रिएटिविटी कर रखी है, कितने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हो, कितनी जगह पे आपने होस्ट किया हुआ है किसी पर्टिकुलर इवेंट को, किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, क्या क्या आपने काम करा हुआ है, बेसिकली आपको वो डालना है जिसमें आपके स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी एंड ऑनेस्टी को चेक करा जाता है। एवरीथिंग शुड बी ओरिजिनल। यहाँ पे किसी तरह की फेक या मैन्युपुलेशन अगर आप करोगे तो फंसने के चांसेस है, सो डोंट नॉट गो फॉर दैट। फाइन, ओके, नाउ लेट्स चेक आउट द डिजाइन वाले कोर्सेज के और BFTech वाले को, जो हमारे प्रोग्राम है उसके सिलेबस क्या है। राइट, जैसा कि आपने पिछले वाले स्लाइड में देखा, आपको दो टेस्ट देने पड़ते हैं, एक कैट और एक गैट, ठीक है, फॉर बी डिजाइन प्रोग्राम। चेक करते हैं एक बार। कैट का फुल फॉर्म यहाँ पे आपके सामने गिवन है, इट इज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। दिस टेस्ट इवैल्यूएट्स द कैंडिडेट्स इंट्यूशन स्किल, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनोवेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंसेप्ट एंड डिजाइन एबिलिटी। ये सारी चीजें चेक करी जाएंगी। ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी 3 आवर्स, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन हर साल वेरी करता है। ओके, When we come to GAT, which is General Ability Test, यहाँ पे क्या क्या आएगा? Test assesses the candidate's quantitative aptitude, यानी कि maths, communication ability, English comprehension, analytical ability and general knowledge, current affairs general knowledge, ठीक है? इसका भी duration आपका 3 hours का होगा। Number of questions that could vary from each year, हर साल वो vary करता है। अब आते हैं हम BFTech के लिए। बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी, इस प्रोग्राम के लिए आपका जो गैट होगा उसका भी सेम सिलेबस है। इट इज गोइंग टू बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि लॉजिकल एबिलिटी एंड ऑल, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसके लिए भी आपके पास 3 घंटे होंगे, 3 आवर्स। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगेन इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। This is going to be the complete syllabus for NIFT. Fine. Level बहुत ज्यादा नहीं आएगा। Level is going to be from easy to moderate. It's not going to be very difficult. It's not going to be very easy. It lies somewhere in between. तो आपको एक अच्छी preparation definitely चाहिए to excel in this particular examination, if you want to. ठीक है? अच्छा, टॉपिक्स आपके लिए थोड़ी और इलेबोरेटली मैंने और भी यहाँ पे डाल दिया है, आप एक बार वो चेक कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर गैट, आपके पास है क्वांट्स, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेसिक मैथ्स जो होता है, परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वर्क एंड टास्क, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, डिस्टेंस, ये सब आने वाला है। कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या आएगा? You have synonyms, antonyms, words with corresponding meanings, singular, plural, one word substitutes, idioms and phrases, correct spellings, comprehending a situation from a given passage, etc. ठीक है, यानी कि basic comprehension and vocabulary, अगर मैं बिल्कुल layman language में बात करूँ। Analytical ability and logical ability में क्या क्या आएगा? General knowledge in current affairs. GAT is common for all the papers. Please remember, GAT हर paper के लिए होने वाला है. So, irrespective of the program you are seeking admission to, the GAT paper is mandatory. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से course के लिए जा रहे हो या फिर कौन सा program opt कर रहे हो, आपके लिए GAT का paper, general aptitude test, ये वाला paper आपके लिए compulsory है, mandatory है. Okay? Now, let's come to CAT का paper, creative ability test. Test is administered to evaluate the intuitive ability, power of observing, observation, concept development, design ability of the candidate. Candidate is not allowed to reveal his or her identity by marking the answer sheet. ठीक है, आपको अपनी identity reveal नहीं करनी होती है जब आप answer sheet mark कर रहे होते हो. Only be design, bachelor in design वाले students and master in design वाले candidates जो होते हैं उनको CAT का examination देना पड़ता है. ठीक है, BFTech वालों को नहीं देना होता है, BFTech वाले को सिर्फ और सिर्फ GAT देना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको GAT देना होता है. CAT का paper आप लोग क्या देने वाले हो? Both GAT, जो भी जितने भी लोग भी design करने जा रहे हैं, GAT and CAT दोनों आपके लिए compulsory हो जाते हैं.
ठीक है। नाउ ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि पेपर कैसे होने वाला है, किस तरह से कंडक्ट किया जाता है वगैरह वगैरह। एक टेंटेटिव आइडिया अगर मैं आपको कहूँ तो निफ्ट की जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है, एंट्रेंस की जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है, वो आउट होने वाले हैं कुछ नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर की एंडिंग या जनवरी तक, एंड इसका पेपर होता है समवेयर इन मार्च। ओके, सो आई डू बिलीव कि आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करोगे। जितने भी हमारे कंट्री के फैशन एंथुसियास्ट है, आपके लिए दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपके पास बहुत टाइम है, सो यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर ऑन ऑल ऑफ दीज। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट नहीं है ये पेपर, इट इज गोइंग टू बी, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करोगे सो यू वुड बी एबल टू क्रैक दिस पेपर आउट। ठीक है, फाइनली आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव यू अ टूर टू द वेबसाइट, मे बी जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर निफ्ट जहाँ पे आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं वेबसाइट का जो लिंक है वो आपके वीडियो में ही शेयर कर दूंगी, आई शेयर द लिंक विद यू गाइस। यहाँ पे आप जो भी और डिटेल जानना चाहते हो अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। हियर यू हैव एवरीथिंग अबाउट निफ्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, निफ्ट के एडवांटेजेस क्या है। Let's check this out once if possible. Okay. Just a second. Yes. तो आप ये access कर सकते हो in case you want to understand anything about NIFT. यहाँ पे they have talked about NIFT का advantage क्या होगा। ठीक है, यू हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्लेसमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग। ठीक है, किस तरह की प्लेसमेंट्स अभी तक हुई है, किस तरह की प्लेसमेंट्स आपको मिल सकती है, हियर इट इज। ठीक है, पास आपके पास पूरा का पूरा कैंपस प्लेसमेंट है 2023 का, एवरी काइंड ऑफ डिटेल इज गिवन हियर। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू इट यू कैन। निफ्ट के कितने कैंपसेस हैं, क्या क्या है, वो ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, बट इन केस यू वांट टू लर्न अबाउट इट अगेन यू कैन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट या क्वेरी होती है हॉस्टल की। ठीक है, आप कॉलेज तो चले जाओगे, यूनिवर्सिटी तो चले जाओगे, बट एकोमोडेशन कैसी होने वाली है, तो यहाँ पे एक बहुत ही न्यूमेरिक डेटा के साथ पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन है, यू कैन चेक दिस आउट एज वेल। कितने रूम्स आपको मिलेंगे, हॉस्टल के रूम्स कैसे होने वाले हैं, एक एक कैंपस का पकड़ यहाँ पे गिवन हुआ है, किस किस पर्टिकुलर कैंपस में कितने गर्ल्स रूम है, कितने बॉयज रूम है, एंड द रिमार्क्स एज वेल। ठीक है, यू कैन गो थ्रू इट। अकेडमिक्स के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी, बट इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द स्कॉलरशिप और द ग्लोबल कनेक्ट और द डिपार्टमेंट्स वी हैव, यू कैन गो फॉर इट। ये वाला पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड द एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि हमें चाहिए एडमिशन। ठीक है, सो हियर आपको एलिजिबिलिटी पूरा का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे सब कुछ लिखा है, एवरीथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। इफ यू वांट टू गो वंस अगेन एंड चेक, यू कैन डू इट फ्रॉम योर साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में इन डिटेल सब कुछ गिवन है। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो या जिस भी कैटेगरी के लिए आप जाना चाहते हो, यू कैन क्लिक ऑन इट और उसके बारे में एवरीथिंग दैट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्या क्या इंक्लूडेड होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, इंटरडिसिप्लिनरी माइनर्स क्या क्या हैं, आपके एम्प्लॉयर्स कौन कौन है, इफ यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट योर फैकल्टीज यू कैन डू दैट, एटसेट्रा। ठीक है, पोस्ट दिस अगर आपको फीस से रिलेटेड कुछ जानना है तो वो भी यहाँ पे गिवन है, स्कॉलरशिप्स वगैरह का पूरा डिटेल यहाँ पे गिवन है, यू कैन गो एंड चेक कि आपको किस कैटेगरी में किस तरह से स्कॉलरशिप मिल सकता है। रजिस्टर करने के लिए यू नीड टू लॉग इन और साइन अप। लेट्स गो थ्रू द प्रोसेस वंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, अभी तक वी डू नॉट हैव द पेपर्स आउट, सो जब होगा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। यू जस्ट नीड टू लॉग इन टू द साइट एंड चेक आउट
for more details. Okay, this is one of the best things that you can check in the website, which is the cutoff list. ठीक है, कट ऑफ कैसा कैसा गया था. आपके पास एक फ्री का सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी गिवन है. इफ़ यू वॉन्ट टू चेक दैट आउट यू कैन एंड आई थिंक यू शुड. और वो भी हर एक चीज़ का अलग अलग गिवन है. ठीक है, अगर मैं बी डिज़ाइनिंग कैट करने जा रही हूँ तो मेरे पास किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कुछ ऐसा. ठीक है, लेट्स से मैं बी डिज़ाइनिंग नॉर्मल गैट की बात कर रही हूँ, जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसके लिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, सी यू कैन सी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह. ठीक है, तो आपके पास एक फ्री का सैम्पल पेपर भी गिवन है जो आप एक्सेस कर सकते हो एंड यू कैन लर्न अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस. उससे आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि आपको प्रिपरेशन और कितना करना है. ठीक है, बीएफ टेक का भी है, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू. यस, दिस इज ऑल यू हैव अबाउट निफ्ट. ओके, सो आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मैं बस ये चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से इस पेपर को दें, इस पेपर के लिए प्रिपेयर करें. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में करोगे तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम आपको ना मिले. ओके, सो वी आर गोइंग टू कीप इट टिल हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर. Share it with all your relatives, friends and everyone जो भी fashion industry में जाना चाहते हैं, जो भी fashion enthusiast है या जो भी इस category के लिए you know aim करते हैं या goal रखते हैं to go towards this thing. ठीक है, this is a relevant video for all those students who are an enthusiast of any kind of designing, fashion designing, apparel, textile, leather, handlooms, handcrafts and anything. ठीक है, please share it, please subscribe this channel if you like this video. We are going to come up with more such videos related to more you know undergraduate courses or examinations that we have in our country. So please keep tuned to this particular channel, and that's it. See you next time. Thank you so much for watching.